नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में वार पलटवार जारी है। सियासी रन को साधने के लिए अलग अलग रणनीतियों पर भी काम हो रहा है। जहां घर घर जाकर के पार्टियों के कार्यकर्ता वोटरों से संपर्क करने में जुटे हैं, वहीं सियासत के सहारे सत्ता तक पहुंचने की कोशिश के बीच बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी सभी अब चुनावी दंगल में खुल करके उतर चुके हैं। एक और जहां सीएम योगी अलग अलग क्षेत्रों के सांसदों और विधायकों से फीडबैक ले रहे हैं, तो अखिलेश विजय रथ यात्रा निकालने की तैयारी में है। प्रियंका गांधी ने काशी से चुनावी शंखनाद किया, तो अखिलेश यादव ने सहारनपुर से बीजेपी पर निशाना साधा। मतलब साफ है कि सत्ता तक पहुंचने के लिए 22 में जंग जबरदस्त होने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्ष क्षेत्र के विधायकों और सांसदों के साथ बैठक की, और इस बैठक को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बाढ़ और कोरोना का सफलतापूर्वक सामना किया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री सुनील बंसल ने चुनावी टिप्स भी दिए हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्ष क्षेत्र के विधायकों और सांसदों के साथ बैठक की। इस बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बाढ़ और कोरोना का सफलतापूर्वक सामना किया है। इस मीटिंग में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, यूपी बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी इस दौरान मौजूद रहे। मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की हर विधानसभा में करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए हैं। ऐसे में विधायकों और सांसदों को अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार करना चाहिए। आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में विश्वास का वातावरण बना हुआ है, ये हम सबकी बड़ी उपलब्धि है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री सुनील बंसल ने चुनावी टिप्स भी दिए। साथ ही विधायकों और सांसदों ने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की सराहना की और कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। इसके अलावा विधायकों और सांसदों ने कोविड प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि किसान, नौजवान, महिला सरकार की नीतियों का आधार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सकारात्मक भाव, बेहतर समन्वय के साथ टीम वर्क से आएंगे अच्छे परिणाम को सराहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव में फिर बनेगी यूपी में बीजेपी की सरकार। सरकार लगातार लोगों के बीच में जा रही है और लगातार ये कोशिश कर रही है कि हर एक मुद्दे को छुआ जाए। जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान काम किया है, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अब आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। प्रियंका गांधी ने वाराणसी दौरा किया और सबसे पहले प्रियंका गांधी ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया। इसके बाद प्रियंका मां कुष्मांडा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचती और फिर जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव है और अभी चुनावी जोश पूरी तरीके से हाई है। एक रिपोर्ट आप देखिए। वाराणसी पहुंची प्रियंका गांधी ने
अपने संबोधन की शुरुआत या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै से शुरुआत। नवरात्रि का चौथा दिन है, मैं व्रत हूँ तो मैं माँ की स्तुति से शुरू करना चाहती हूँ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंची। अपने इस दौरे के दौरान प्रियंका गांधी जहां बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की, वहीं मां कुष्मांडा के दरबार में मत्था टेकने के लिए दुर्गा कुंड पहुंची। यहां से प्रियंका गांधी संकट मोचन दरबार में दर्शन करने पहुंची। प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसान न्याय रैली के जरिए यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए अभियान का आगाज कर दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली में शामिल होने के लिए लोग सुबह से ही जुटने लगे थे। प्रियंका गांधी ने वाराणसी से ही चुनावी शंखनाद कर दिया। रैली को लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी थी। प्रियंका वाराणसी में जिस जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान पर रैली करने पहुंची, उसे बेहद ही खूबसूरती से सजाया गया था। पूरे ग्राउंड को कांग्रेस के तिरंगे से पाट दिया गया था। रैली स्थल पर चारों तरफ बैनर पोस्टर होर्डिंग और कटआउट लगे हुए थे। टिकट के तमाम दावेदार ने मैदान को रंगने और पोतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। कोरोना हुआ, कोरोना के समय जहां जहां से रिपोर्ट आई वहां से वही रिपोर्ट आई कि जनता त्रस्त है, परेशान है और सरकार मदद के बजाय आक्रामक हो गई है। जो भी सुविधाएं थी, अगर कोई कहता था कि मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, कोई अस्पताल ने कह दिया कि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, तो सरकार उन पर आक्रमण कर रही थी। उनको न्याय की उम्मीद नहीं थी, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये सरकार संकट के समय उनकी मदद करेगी। हाथरस का हादसा हुआ जिसमें आप सब ने देखा कि सरकार ने अपराधियों पर आक्रमण नहीं किया, सरकार ने अपराधियों को नहीं रोका, सरकार ने परिवार के सदस्यों को अपनी बेटी को की चिता जलाने से रोका। उनको ले भी नहीं गए साथ, पुलिस प्रशासन ने चिता जला दी। उस परिवार ने भी मुझे कहा कि दीदी हमको न्याय चाहिए, लेकिन न्याय की हम उम्मीद नहीं रख सकते। जब जब मैं बात करती हूँ लोगों से, जब जब मैं लोगों से बात करती हूँ, एक बात उभरती है कि हाँ कुछ हो नहीं रहा है, कमाई नहीं है, रोजगार नहीं है, किसान त्रस्त है, नदियों के पास रहने वाला निषाद त्रस्त है, दलित त्रस्त है, महिला त्रस्त है, सब त्रस्त है। लेकिन दीदी एक बात है कि मीडिया में बहुत आता है कि हम सुरक्षित हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको सच्चाई दिख नहीं रही है? इस देश में सिर्फ दो तरह के लोग सुरक्षित हैं आज। एक जो भाजपा का सत्ताधारी नेता है वो, और दूसरा जो उसका खरबपति मित्र है। आज लखीमपुर खेरी में जो हुआ पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया और सब परिवार, 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। आपने देखा कि सरकार
पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। पुलिस और प्रशासन विपक्ष के नेताओं को रोकने में लगी थी। जब मैंने रात में वहां जाने की कोशिश की तब हर सड़क पे पुलिस थी, मुझे रोकने की कोशिश की, तमाम पुलिस के घेरे थे, नाकाबंदियां थी। जो परिवार हैं, पीड़ित परिवार हैं, उनके घरों में उन्हें नजरबंद किया गया, लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए एक भी पुलिस वाला नहीं निकला। लगभग 40 साल बाद गांधी परिवार का कोई सदस्य वाराणसी के दुर्गा मंदिर में दर्शन करने पहुंचा। बता दे, प्रियंका गांधी यहां पर विधि विधान से पूजा अर्चना की और इसके बाद मां के दरबार में विधि विधान पूर्वक मत्था टेका और मां से आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में जीत हासिल करने की प्रार्थना की। प्रियंका की वाराणसी रैली पर बीजेपी प्रवक्ता हीरू वाजपेयी ने कहा कि 32 साल से कांग्रेस अपने अस्तित्व के संकट से उत्तर प्रदेश में जूझ रही है, लखीमपुर खीरी घटना को अवसर में बदलना चाह रही है। कांग्रेस अभी इस अंतर्द्वंद से जूझ रही है कि कांग्रेस को भाई लीड करेगा या बहन, और क्या उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कार्यकर्ता है, उनको किस नजरिए से देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जो पोस्टर में हिंदू देवी देवता में प्रियंका का स्थान होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि मुझे जो कांग्रेस या सपा के जो नौ आगंतुक नेता है या एक परिवार से आए युवा है, वो भारत के संस्कार, संस्कृति, पूजा पद्धति, धार्मिक, हमारी गाथा, गौरव, इतिहास, इस पर आधारित होने लगे और इसमें अपना सोच विचार रखने लगे। ये एक खुशी की बात है। 2014 में मोदी की सरकार आने के बाद इन युवाओं को हिंदू पद्धति, हिंदू धार्मिक पद्धति पे अपना विश्वास होने लगा। उत्तर प्रदेश में 32 साल से कांग्रेस अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है और प्रियंका गांधी वाड्रा भी जो ये यात्रा या रैली प्रतिज्ञा जो उन्होंने ठानी थी उसमें अवसर दिखने लगा। ये किसान वाला लखीमपुर कांड जो हो गया उसमें उन्हें लगा कि किसान जोड़ लिया जाए। यही सब जो अंतर्द्वंद से कांग्रेस गुजर रही है कि बहन लीड करेगी कि भाई आके बाद में करेगा, कि पैकेज दिया जाए, दो मुख्यमंत्री लाए जाए, रैली का नाम बदल लिया जाए, मुझे लगता है कि सब कुछ अनायास ही अपने आप से चल रहा है और उसी अंतर्द्वंद से कांग्रेस इतने साल से उत्तर प्रदेश में जनता के बीच में अपना स्थान नहीं बना पा रही। तो साल 2022 में विधानसभा चुनाव है, सभी सियासी पार्टियां ताल ठोक रही हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की एंट्री क्या सियासत में कांग्रेस को बढ़त दिला पाती है या नहीं। प्रियंका गांधी का लगातार उत्तर प्रदेश दौरा कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचा सकती है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहारनपुर के तीतरों में रैली को संबोधित उन्होंने किया। अखिलेश यादव की जनसभा में कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया और अखिलेश यादव पूर्व मंत्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह की 100वीं जयंती पर उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे थे और सपा अध्यक्ष जनसभा में बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार पर उन्होंने हमला बोला। कहा कि त्योहारों के बाद योगी सरकार के दिन खत्म होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि धोखा देने वालों और झूठ बोलने वालों से सावधान रहें। से पहले सपा भी कोई कोर कसूर नहीं छोड़ना चाहती है। सहारनपुर में अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को हराने को गठबंधन की जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर। आपको बता दें कि तीतरों में रविवार को समाजवादी पार्टी की जनसभा आयोजित की गई थी। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर किसान और मजदूर विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने चौधरी यशपाल सिंह को किसान नेता बताते हुए उनके योगदान को याद किया। जब जब मैं बात करती हूँ लोगों से, जब जब मैं लोगों से बात करती हूँ, एक बात उभरती है कि हाँ कुछ हो नहीं रहा है, कमाई नहीं है, रोजगार नहीं है, किसान त्रस्त है, नदियों के पास रहने वाला निषाद त्रस्त है, दलित त्रस्त है, महिला त्रस्त है, सब त्रस्त है, लेकिन दीदी
एक बात है कि मीडिया में बहुत आता है कि हम सुरक्षित हैं, तो मैं पूछना चाहती हूं कि क्या आपको सच्चाई दिख नहीं रही है? इस देश में सिर्फ दो तरह के लोग सुरक्षित हैं आज, एक जो भाजपा का सत्ताधारी नेता है वो, और दूसरा जो उसका खरबपति मित्र है। इसलिए आज हम आपसे, जब चौधरी यशपाल जी याद कर रहे हैं, हम सब मिलकर के याद कर रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश का भविष्य कैसा हो, भविष्य कैसा हो, जो धुआं उड़ा करके सरकार चला रहा हो उसके हाथ में रहेगी सरकार। सोचो कभी जो धुआं उड़ा करके सरकार चला रहे हो, धुआं उड़ा करके सरकार चलाते हो, बताओ प्रदेश में क्या किया आपने नाम बदलने के अलावा, क्या कर रहे हो, कौन सा विकास किया है? इसलिए हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि ये चुनाव देश का और आपके भविष्य का चुनाव है। ये कुचलने का काम करेंगे, नई चीज लेके आएंगे, पता नहीं कौन सी नई चीज कर दें, कुछ भी कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसलिए सावधान रहना, यूपी के चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, इसलिए सावधान रहना और समाजवादियों की मदद करना। हम लोग अलायंस भी बनाएंगे और अपने लोगों का सम्मान भी बचाने का काम करेंगे। इसलिए जहां से शुरुआत की है तो समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करना, ये हम आपसे निवेदन। अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, बीजेपी की नीति विभाजनकारी है, जनता अब उत्तर प्रदेश सरकार को बदलने का मन बना चुकी है, ये संविधान को कुचलने का प्रयास कर रही है। यूपी से ही बदलाव आएगा, 2022 का चुनाव छोटा नहीं है। चौधरी यशपाल को किसान का नेता बताते हुए उन्होंने कहा कि चौधरी यशपाल में लड़ने की क्षमता थी। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।